नमस्ते दोस्तों, मैं विकास भूपिन और आप सबों का हमारे इस फार्मा नोट्स यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो है आरटीआई एक्ट 2005 के ऊपर बने हुए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दोस्तों ये अहम हिस्सा है हमारे आने वाले एफडीए एग्जाम का और ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी होता है ये सिलेबस में और ये प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी होता है। तो यहाँ फोकस किया जाएगा एफडीए डिपार्टमेंट का जो आने वाला यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट का एग्जाम है, टेक्निकल एनालिस्ट असिस्टेंट का एग्जाम है, उनके लिए इसको यहाँ पे बनाया जा चुका है दोस्तों। और यहाँ से डेली एक या दो वीडियो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जिसमें हमें जो भी आने वाली आशंका है एमसीक्यूज के बारे में उन एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा और इन एमसीक्यूज को हमारे टेलीग्राम पीडीएफ मेंबर्स में भी शेयर किया जाएगा दोस्तों। अगर आप इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा जो आपका एग्जाम होने तक आपको यहाँ पे पूरा सर्विस दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो पूछा जाता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई बनाया क्यों गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कोई भी सरकारी दफ्तर में आरटीआई डालते हैं तो क्यों डालते हैं, इसके पीछे यहाँ पे पर्पस क्या होगा इस आरटीआई का। देखो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटीज, टू ग्रांट द टैक्स एग्जेम्पशंस टू द पब्लिक अथॉरिटीज, एंश्योर द पब्लिक अथॉरिटीज कैन डेनी द इंफॉर्मेशन एंड टू लिमिट द एक्सेस टू क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे सवाल है, देखो ट्रांसपेरेंसी रखी जानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होती है, जो भी सरकारी दफ्तरों में जो भी कामकाज चल रहा है उसके बारे में यहाँ आम जनता को भी पता होना चाहिए। तो ये पता होने के लिए ट्रांसपेरेंसी वर्ड है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूरा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं, बस जो सेंटेंस अच्छा लग रहा है आरटीआई क्यों डाला जाता है भैया, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहता है कि सरकारी जो काम चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं इसके हिसाब से। तो आपको पूरा सेंटेंस याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपने बोल देना है ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो चाहिए बस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है। हमें कोई यहाँ रट्टा नहीं मारना है दोस्तों, बस यहाँ पे एक कॉमन सेंस के जरिए हम सारी चीजों को समझेंगे और हमारे इस जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी सफर को बहुत आसानी से स्टार्ट करना है। पूछा गया है अंडर विच आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डिराइव्ड, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा यहाँ पे आर्टिकल निकल के आता है जो आरटीआई के लिए बनाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के लिए बनाया हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी संविधान है उसमें कौन सा आर्टिकल है। बहुत ही उमदा सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए देखिए 19 में है, ठीक है, आर्टिकल 19 में, उसमें भी वन और उसमें भी सब में ए, ठीक है, 19(1)(a) में आपको यह सब आना चाहिए, ठीक है। तो 19 को थोड़ा सा हम बोलते हैं ना बातों में 19-20 चलता है, 19-20 चलता है, तो उस तरीके से याद रखिएगा आरटीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 19 वाला है, ठीक है, 19 + 1 = 20, 19(1) तो 20 हो जाएगा, 19(1)(a), ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल बढ़ते हैं, हु इज द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, फाइनल अपीलेट, ठीक है। आपको अगर अपील करना है तो हम बोलते हैं ना ये कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुआ तो उसके ऊपर की बॉडी में जाएंगे। तो फाइनल फाइनल जहां पे अपील कर सकते हो ऐसी कौन सी अथॉरिटी आरटीआई के 2005 की है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो आप अपील करते हुए, आखिरी आखिरी में आपको लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसको सीआईसी बोलूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो पहले तो इलेक्शन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ये कोई आपका अपील सुनने के लिए प्रेसिडेंट यहाँ खाली तो बैठा नहीं है, उनके उनके काम है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, यहाँ पे सीआईसी होता है, ये आरटीआई का डिपार्टमेंट है, यहाँ स्टेट लेवल पे एसआईसी और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सीआईसी चलता है, ठीक है। तो एसआईसी और सीआईसी रहता है, तो आपको फाइनल अपील करते करते सीआईसी के पास जा सकते हो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कुछ कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने दोबारा किया है ताकि वो क्वेश्चन आपको याद रहे, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सीआईसी हो गया आपको फाइनली, आप कहां तक अपील कर सकते हो सीआईसी के पास में। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर द पब्लिक अथॉरिटीज टू रिस्पॉन्ड टू एन आरटीआई अप्लीकेशन, ठीक है। तो आपके पास अगर आरटीआई आया है किसी सरकारी दफ्तर में तो उसको रिप्लाई है ना, उसका टाइम लिमिट क्या है, कितने दिनों के अंदर आपको उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, तो 30 दिनों के अंदर, ठीक है, 30 दिनों का, ऑप्शन में कुछ भी देश देगा लेकिन आपको 1 महीना दिया जाता है, 1 महीने के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए जिस किसी ने यहाँ पे अपील किया है, अप्लीकेशन किया है, आरटीआई कुछ इंफॉर्मेशन पूछी है किसी डिपार्टमेंट से, तो उस डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको जो है 30 दिनों के भीतर उसने इंफॉर्मेशन देना जरूरी है।
Which of the following entities are exempted from the providing information under the RTI Act? देखो आप RTI डालते हो तो हर कोई ऑफिस दफ्तर आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है, जवाबदार है, तो यहाँ से कुछ ऐसे दफ्तर है जिनको छोड़ा गया है, इस RTI से छोड़ा गया है, वहां आप नहीं पूछ सकते, ठीक है? तो ऐसा कौन सा होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक, इंटेलिजेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज। देखो हर कोई दफ्तर से आपको इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज होती है जो हमारे देश के लिए काम करती है, इसकी जो इंफॉर्मेशन ऐसी लीक नहीं की जाती है, जिसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ऐसी चीजें का आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया है, इनको रिलीफ दिया गया है। आप इन दफ्तरों में RTI डालेंगे भी तो वहां से आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जिम्मेदार नहीं है कि आपको वो इंफॉर्मेशन दे। RTI एक्ट के तहत आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी जा सकती, जो देश के लिए यहाँ हानि पहुंचाए, देश की सिक्योरिटी के लिए हानि पहुंचाए, वो जो भी इंफॉर्मेशन है लीक नहीं होती है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है, विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट 2005 स्पेसिफाइज द एग्जेम्पशंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। वही तो पूछा है कि किसी किसी डिपार्टमेंट को इनको ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, कि वो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन उसका सेक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 8, ठीक है? सेक्शन 8, 8 माने हम यहाँ पे प्लेट बोलेंगे, और प्लेट को बरवाही छुपा के रखना है, ठीक है? प्लेट को क्या करना है? छुपा के रखना है। वो इंफॉर्मेशन हमने किसी को देने के नहीं जिम्मेदार नहीं है, हम किसी को वो नहीं देंगे, वो प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट को छुपा के रखेंगे, कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। तो सेक्शन 8 के तहत जो है, ऐसे इंटेलिजेंट एंड सिक्योरिटी एजेंसी, जो देश के लिए जो चीजें जरूरी है, कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी है, वैसी चीजें जो सेक्शन 8 के तहत उनको यहाँ पे रिलीफ दिया गया है RTI 2005 एक्ट से, वो लोग अपना इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देंगे, या फिर देने के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो नहीं देंगे, ठीक है? हाउ मच इज द एप्लीकेशन फीस फॉर द RTI रिक्वेस्ट? अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI डालोगे तो आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा? तो यहाँ 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका जो फीस है 10 रुपया है, 10 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है? 10 रुपये में आपका RTI हो जाएगा। हु कैन फाइल द RTI एप्लीकेशन? कौन ये फाइल कर सकता है, कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? तो हमारी देश की बात है तो हम ही तो लोग मांग सकते हैं दोस्तों, तो ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसका जवाब होगा, बाकी सिटीजन और नॉन सिटीजन्स, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एनी रेसिडेंट कंट्री, कोई भी आम इंसान जो हमारे इंडियन सिटीजन है, इंडियन का नागरिकत्व है, उसे ये अधिकार है कि वो किसी भी दफ्तर में जाके उसका इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, केवल 10 रुपये दे करके, ठीक है? नेक्स्ट सवाल आता है, वट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन? देखो मैंने आपको पहले भी एक सवाल पूछा था टाइम लिमिट के, कि एक बार उसको RTI डाल दिया तो उस दफ्तर में से आपको जवाबदेही कब तक आनी चाहिए? 30 दिनों के भीतर, 1 महीना टाइम होता है, लेकिन अगर वो चीज लाइफ, किसी के लाइफ से, किसी की लिबर्टी से जुड़ी हुई है किसी इंसान के, तो उसका टाइम लिमिट कम हो जाता है, और वो कितना होना चाहिए? 48 आवर्स, 70 आवर्स, 7 डेज या 24 आवर्स। तो इसका टाइमिंग जो है 48 आवर्स के अंदर आपने वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि वो इमरजेंसी है, लाइफ से रिलेटेड है, लिबर्टी से रिलेटेड है किसी इंसान के, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है तुरंत देनी जरूरी है, तो 48 आवर्स का टाइमिंग आपको दिया जाता है, बाकी जनरली जो है 30 दिनों के टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन देनी यहाँ जरूरी होती है दोस्तों, ठीक है? तो इन विच ईयर द RTI एक्ट कम इनटू फोर्स? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है? तो इसका जवाब तो सबको पता है कि 2005 में ये एक्ट आया था, लेकिन कभी पूछ लिया तो ऐसे फुलिश क्वेश्चन का, सवाल का जवाब गलत मत कर देना, ठीक है? नेक्स्ट है, हु अपॉइंट्स द CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? ठीक है, CIC बोलूंगा तो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन आएगा, SIC बोलेगा यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल पे जो CIC होता है ना, जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, तो वहां पे जो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है CIC, तो इसको कौन अपॉइंट करेगा? तो CIC को अपॉइंट करने का काम किसका है? यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? जैसे हमारे द्रौपदी मुर्मू मैम जी है, तो वो यहाँ पे इनको जो है अपॉइंट करेगी सेंट्रल लेवल पे, ठीक है? CIC को कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखना, बड़ा आदमी है ना CIC, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया याद कर लेना, ठीक है? और ना पार्लियामेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी के हाथों से CIC का यहाँ पे चुनाव होता है, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है दोस्तों, ठीक है? अपॉइंट किया जाता है उनका, यहाँ पे चुना जाता है। तो व्हाट इज द टिन्योर ऑफ, ये जो CIC अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो उसका टिन्योर पूछा है CIC का, ठीक है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टिन्योर कितना रहेगा?
5 साल का तो रहेगा, ठीक है, 5, 3, 6, 2 दिया है तो 5 साल का रहेगा, लेकिन उसका एज कितना होने तक रहेगा, 65 तक, या तो 65 एज हो जाएगा वो, भले ही 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, 65 हो गया तो भी उसको वहां पे टिन्योर खत्म हो जाता है, या फिर उसके 5 साल, अगर वो 65 पर नहीं हो रहा है तो कम ज्यादा से ज्यादा उसको 5 साल तक उस पोस्ट पे रखा जाता है, 5 साल के बाद में कटौती होगा उसका, ठीक है, जो भी यहाँ पे निकल के आ गया 5 साल पहले, या फिर उसके एज के 65 ईयर्स जो भी पहले हो जाए वो उसका टिन्योर हो जाता है। नेक्स्ट पूछा है, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट मैंडेट्स प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर मैंडेट, ये कंपलसरी, मैंडेट मतलब कंपलसरी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, ये किस सेक्शन के तहत होता है, तो ये होता है सेक्शन 4 के तहत, ठीक है, सेक्शन 4 के तहत आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होती है पब्लिक अथॉरिटी ने, पब्लिक को जिसने भी आरटीआई डाला है उसको ये देना जरूरी है, तो ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 4 में, अगर इंफॉर्मेशन नहीं देनी है ऐसे डिपार्टमेंट का जो भी चिट्ठा है वो कहाँ पे आएगा, सेक्शन 8 के तहत, ठीक है, ये सेक्शन 4 है, तो ये चोर है, चोर है तो शोर करेगा तो इंफॉर्मेशन देगा, डिस्क्लोजर है ना, चोर है तो शोर है, तो सेक्शन 4, सेक्शन 8 जो बोल रहा, प्लेट प्लेट को छुपा के रखना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है यहाँ पे, व्हाट व्हाट पेनाल्टी कैन बी इम्पोज ऑन अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, जो भी पीआईओ है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसको कितना पेनाल्टी लगेगा अगर फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो भी टाइम दिया है 30 डेज का टाइम दिया है आमतौर पर, लेकिन लाइफ और लिबर्टी का बात आता है तो उसको टाइम दिया है 48 आवर्स का, और ऐसे केस में अगर पीआईओ ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ेगा, तो कितना जुर्माना लगेगा, ठीक है, 100, 250, 500, 1000, तो 250 रुपए लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है पर डे 250 के हिसाब से यहाँ पे 25,000 का जुर्माना उसको भरना पड़ता है पीआईओ, अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन वक्त पे नहीं देता है, लाइफ और लिबर्टी रहेगा तो 48 आवर्स में देना पड़ेगा, जनरल इंफॉर्मेशन है तो 30 डेज के अंदर देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता है उसके बाद 30 डेज होने के बाद, या फिर 48 आवर होने के बाद में, उसको हर दिन 250 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, हर दिन जितना दिन लेट करेगा उसको हर दिन 250 रुपए का, और उस हिसाब से 25,000 रुपए तक वो उसको जुर्माना देना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल निकल के आता है, विच सेक्शन ऑफ अंडर एक्ट आरटीआई एक्ट डील्स विद द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, देखो तीसरी वाली पार्टी की बात आ रही है, तो तीसरी वाली पार्टी के लिए सेक्शन कौन सा दिया है, 11, ठीक है, तो 2 को छोड़ के तीसरी वाली पार्टी की बात आती है तो सेक्शन 11 को याद रख लेना, ठीक है, 1 और 1, 2 की बात छोड़ के जब तीसरी की बात होता है ना, 1 और 1, 2 होगा तो तीसरी की बात होगी तो सेक्शन 11 हो जाएगा, 1 और 1 जोड़ के 11, ये ऐसे कुछ कभी करके याद रखो यार बस, ठीक है, एग्जाम होने तक हमें ये याद रखना है। फिर बोला है, आरटीआई एप्लीकेशंस मस्ट बी एड्रेस्ड टू विच ऑफिशियल इन अ पब्लिक अथॉरिटी, आरटीआई एप्लीकेशन मस्ट बी एड्रेस्ड टू विच ऑफिशियल इन अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, तो पब्लिक अथॉरिटी में आपको ये किसके पास में एड्रेस करना पड़ता है, तो ये जो है आरटीआई का एप्लीकेशन आपको किसके पास भेजना होता है, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो भी अलग अलग दफ्तर होंगे उनका जो भी पीआईओ होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसको वो चार्ज दिया हुआ है, तो आपको उसी को एड्रेस करना होता है, उसके पास ही आपका जो भी है आरटीआई का एप्लीकेशन जाना जरूरी है, ठीक है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में आपका वो जाएगा, ना तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ना तो चीफ सेक्रेटरी, ना तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, आपका जाना चाहिए किसके पास, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो भी आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां पे जिम्मेदार होगा वो उसके पास में आपको आरटीआई देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकल के आता है सवाल, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट एट द सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे ये कौन मॉनिटर करेगा, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे है कि जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसकी मॉनिटरिंग करके उसको इंफॉर्मेशन देना है नहीं देना है, ये सेंट्रल लेवल पे कौन करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग अलग दिया है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे हमें पता है कौन होता है, सीआईसी होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वहां पे दिया हुआ है, और वहां जो बैठता है उसका नाम क्या है, उसका भी सीआईसी क्या होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको बात समझ में आ रही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ना कंट्रोलर ऑफ ये क्या जो है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल और सेंट्रल विजिलेंस, ये इनका कोई संबंध नहीं है, हमें जाना है सीआईसी, एसआईसी, ऐसे वर्ड हमारे आरटीआई से रिलेटेड है, तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, जहां कौन बैठा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोर्ड बैठा हुआ है, जिसका अपॉइंटमेंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है, ठीक है, देखो सारा आरटीआई आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, है ना।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड ग्राउंड फॉर द रिजेक्टिंग द एनआरटीआई इश्यू। अगर आरटीआई किसी ने डाला भी है, कोई इंफॉर्मेशन पूछ भी रहा है, तो आपको किस बेस पे उसको आपको इनवैलिडेट करना है, रिजेक्ट कर सकते हो आप वो बताइए। रिक्वेस्ट कंसर्न द लाइफ ऑफ पर्सन, कंसर्न इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशन। देखो किसी के लाइफ के बारे में पता देना चाहिए, डॉक्टर लोगों का काम है कि उसका लाइफ कैसे है, इनसिक्योर है, कैसा है, सब कुछ बताना चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन देश सिक्योरिटी को आप ऐसे नीलाम नहीं कर सकते, उसको ऐसे ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो इस ग्राउंड पे आप उस आरटीआई को जो है यहाँ पे खारिज कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि देखो ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, इस बारे में हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई इंफॉर्मेशन लिख नहीं चाहिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है देश का, ठीक है। तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा आरटीआई की तरह। अच्छा है, नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द आरटीआई अंडर द सेक्शन 8(1)। देखो 8 की बात करिए, 8 में हम आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है। 8 में भी 1(1) जो सब सेक्शन है इसका, उसके अंडर में किसको एग्जेम्प्ट किया गया, उसके अंदर किसको रिलीफ दिया गया वो बताना है। ट्रेड का सीक्रेट, ठीक है, ट्रेडिंग होता है उसका सीक्रेट होता है, बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पब्लिक डिपार्टमेंट, ऑडिट रिपोर्ट्स या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो जो भी ट्रेडिंग होता है ना, ट्रेडिंग शेयर मार्केट वगैरह से होता है, उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी सीक्रेट्स है वो सेक्शन 8 में 1 सब सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है एग्जेम्प्ट किया गया है आरटीआई अंडर सेक्शन 8 में 1 वाला, ठीक है। ट्रेड ट्रेड सेक्टर्स, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड के सीक्रेट्स नहीं बताए जाते। विच इज हाइएस्ट अपीलेट बॉडी फॉर द आरटीआई अपील्स एट द स्टेट लेवल। देखो सेंट्रल लेवल पे सीआईसी, स्टेट लेवल पे एसआईसी हो जाएगा, ठीक है। विच इज द हाइएस्ट अपीलेट, अब हाईएस्ट एपिलेट सेंट्रल लेवल पे किसको बोला था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन होगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, वहां पे सीआईसी, तो यहाँ पे एसआईसी होगा, ठीक है। यहाँ पे सीआईसी मत लिख देना, यहाँ पे एसआईसी आएगा, स्टेट लेवल पे पूछा है तो एसआईसी के पास में, ठीक है। ये दोनों ना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका कोई लेना देना नहीं है भैया यहाँ पे। नेक्स्ट वाला सवाल है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई 2005, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द सिटीजन, ठीक है। मेक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द सिटीजन, जो भी यहाँ पे सिटीजन है हमारे इंडिया का, उसके पास में वो पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाए, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है दोस्तों। बाकी इसको कंट्रोल करप्शन, एम्पावर द ब्यूरोक्रेसी, मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, देखो ये तो देते ही नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, बस उस इंसान को उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको अवेलेबल हो जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रहे। इन विच ईयर डिड आरटीआई कम इन टू द फोर्स, ये बात हम कर चुके हैं, 2005 का एक्ट है। अंडर द आरटीआई इंफॉर्मेशन कैन बी डेनीड इफ इट परटेन्स टू, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन नहीं देना है अगर वो किसकी बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, डिफेंस की बात आती है, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो, लेकिन देश की सुरक्षा की बात आती है तो नहीं दे सकते भैया। हाउ मेनी डेज डू द पी आई ओ हैव रिस्पॉन्ड टू द आरटीआई, एक बार आरटीआई आ गया तो पी आई ओ जो भी है उसके पास ही आपका जो है आरटीआई जाना चाहिए पी आई ओ के पास, और उसने आपको 30 days के अंदर वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन लाइफ और लिबर्टी की बात आती है तो 48 hours के अंदर देना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा लेट होता है तो हर दिन उसको 250 rupees का जुर्माना 25,000 तक भरना पड़ता है, रोज का 250 rupees। वट इज द फीस, फीस का भी बात कर चुके हैं, फीस क्या लगेगा अगर आप आरटीआई फाइल करते हो तो 10 rupees फीस लगेगा, के कुछ कुछ क्वेश्चंस को दोबारा बनाया गया है ताकि आप भूले नहीं। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर द पीआईओ फॉर नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अंडर एक्ट, देखो अभी बोला था 2,250 rupees पर डे, 250 rupees पर डे के हिसाब से आपको 25,000 तक जुर्माना लगता है, लेकिन कब, अगर उसका टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है, जैसे नॉर्मल आरटीआई है तो 30 days का टाइम फ्रेम इस पीआईओ को मिलने वाला है, लाइफ और लिबर्टी की बात आती है तो 48 hours का इसको टाइम दिया गया, उससे ज्यादा लेट होगा तो हर दिन 250 rupees के हिसाब से 25,000 rupees इसको जुर्माना लगेगा। Which of the following is exempted from the disclosure of RTI? देखो किसको exempt किया गया है, फिर से यहाँ पे वही देश की integrity की बात आती है, sovereignty की बात आती है, information affecting the sovereignty and integration of the India, या फिर national security, defense, तो ये जो confidential चीजें हैं हम ये बातों को लिख नहीं कर सकते, तो इसको exempt किया गया है disclosure से, बाकी तो कुछ भी बता दो आप information, कोई दिक्कत नहीं है। Who appoints the SIC commissioner? जैसे CIC को किसने अपॉइंट किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे SIC की बात आ रही है, तो इसको कौन करेगा, हमारे राज्य का राज्यपाल, ठीक है, जो भी गवर्नर होता है ना वो करता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट ये करेगा ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो CIC के लिए गया है,
ठीक है, सीआईसी होता है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाला, उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो वहां का सेंट्रल वाला का प्रेसिडेंट, स्टेट वाले का, स्टेट वाला जो सीआईसी है उसका गवर्नर ऑफ स्टेट, बाकी यहाँ चीफ नहीं आएगा, पीएम नहीं आएगा, सीएम नहीं, पीएम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं, विच सेक्शन ऑफ द आरटीआई एक्ट डील्स विद द एग्जेम्प्शंस फ्रॉम द डिस्क्लोजर एंड, सेक्शन 8, 8 जो है ना, प्लेट है, प्लेट को छुपा के रखना है, नहीं देना है, इसको एग्जेम किया गया है। नेक्स्ट वाला है देखो, द आरटीआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल, किसको नहीं, इंटेलिजेंट ब्यूरो, इंटेलिजेंट ब्यूरो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसको हमने लीक नहीं करना है, तो इसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, इसमें हम आरटीआई नहीं डाल सकते, ठीक है, नॉट अप्लाई। बाकी आप पीएससी बीएमए डाल दिए, पब्लिक सेक्टर बैंक में, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डाल दिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में डाल दिए, लेकिन इंटेलिजेंट ब्यूरो जो है कॉन्फिडेंशियल एरिया है, सॉरी, वहां पे आप नहीं पूछ सकते, ठीक है। विद इन हाउ मेनी डेज शुड द आरटीआई अपील टू बी फाइल विद द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है, तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में आपको दिया है, तो कितना टाइम यहाँ पे दिया है, सीधा सीधा है 30 डेज के भीतर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, आपने उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। सवाल वही रहते हैं, उल्टे सिल्टे पूछ के आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन आपके जवाब जो है फिक्स रखिएगा। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सीआईसी, किसका हमने बोला था आपको 5 साल रहेगा, या तो फिर उसके उम्र का 65 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है, जो भी पहले होगा वो हो जाएगा, तो 5 साल यहाँ पे जनरली इसका जवाब दे देना है आपको। फिर यहाँ पूछा, अंडर द आरटीआई एक्ट व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन व्हेन इट कंसर्न्स द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पर्सन, देखो लाइफ और लिबर्टी 48 आवर्स जनरली रहेगा, तो 30 डेज, ठीक है। फिर आएगा विच सेक्शन ऑफ आरटीआई मैंडेट द प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक अथॉरिटी, तो डिस्क्लोज करना है भैया, चोर है तो शोर करेगा गली गली में, तो सेक्शन 4 आएगा, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो द आरटीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, तो ये ऑल पब्लिक अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ अप्लाई है, जहां जहां पब्लिक अथॉरिटी है वहां वहां आप आरटीआई डाल के वहां से इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो, ना कि सिर्फ स्टेट लेवल तक, ना तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक, ना तो सिर्फ प्राइवेट कंपनी, आप हर जगह जहां जहां पब्लिक अथॉरिटी है इंडिया में, पूरे इंडिया में आप इसको आरटीआई पूछ डाल के इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ये पूरा अधिकार आपको आरटीआई एक्ट 2005 देता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजिग्नेटिंग अ पीआई वो इन ईच पब्लिक अथॉरिटी, हर पब्लिक अथॉरिटी में ये डेजिग्नेट कौन करता है पीआईओ को, तो यहां से देखिएगा द हेड ऑफ रिस्पेक्टिव पब्लिक अथॉरिटी, जो भी पब्लिक अथॉरिटी है तो वहां से वो लोगों का जो कमेटी है उनके दफ्तरों में से एक इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हमारे दफ्तर के बारे में जो भी आरटीआई आए तो इसके बारे में आपको इसका आरटीआई के तहत जो भी है जवाबदेही देना है, ठीक है। मान लेते हैं आप कोई इंस्टीट्यूट है आपका, आप वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पे जो है आपको अगर पीआईओ चुन के रखा जाता है आपके दफ्तर में, मान लीजिए 50-60 लोगों का स्टाफ है, तो आपका पूरा जो इंफॉर्मेशन का जो भी पीआईओ बनाया जाएगा, तो आपको बना दिया गया, तो मैंने अगर आरटीआई डाला तो आप होंगे जिम्मेदार कि मेरे आरटीआई को आपको जवाब दे देना है, वो भी 30 दिन के भीतर, अगर वो लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड है तो 48 आवर्स के अंदर देना है, ठीक है। लेट करोगे तो 250 रुपए पर डे जुर्माना आपको लगेगा, 25,000 रुपए तक, ठीक है, समझ गए। तो ये पीआईओ को कौन करेगा, यहाँ पे डिप्लॉय कौन करता है, डेजिग्नेट कौन करता है, वही पब्लिक अथॉरिटी जहां आप काम कर रहे हो ना, वो पब्लिक अथॉरिटी आपको फैसला करती है कि आप पीआईओ बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट वाला यहाँ क्वेश्चन आता है, थर्ड पार्टी वाला सवाल है, कैन थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन बी डिस्क्लोज अंडर द आरटीआई एक्ट, यस डिस्क्लोज कर सकते हैं आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है यस के साथ में, लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन है कि आफ्टर कंसिडरिंग द थर्ड पार्टीज व्यू, थर्ड पार्टी का व्यू एक बार आपने कंसिडर कर लिया तो आप उसको दे सकते हो, तब तक आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका व्यू एक बार कंसिडर करने के बाद में आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके इसको मतलब इम्पोर्टेंस आना चाहिए थर्ड पार्टी के जो भी यहाँ पे है, तो उसको व्यू को इम्पोर्टेंस आएगा तभी तो वो उसको कंसिडर किया जाएगा, एक कंसिडर करने के बाद में वो आपको देना आएगा, यस आएगा इसका जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज कवर्ड बाय द आरटीआई एक्ट, कौन सा बॉडी यहाँ पे कवर्ड किया जाएगा, प्राइवेट बैंक है, एनजीओ सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट कंपनीज, तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, इसको फंड कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट से, तो ये जो बॉडी है इसको कवर किया गया है आरटीआई एक्ट के तहत, ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल उमड़ करके आता है, विच हैज द पावर टू इम्पोज द पेनल्टीज अंडर द एक्ट, आरटीआई एक्ट, ठीक है, Who has the power to impose the penalty? अब पेनल्टी जो बोला हमने कि 250 रुपए
पर डे लगेगा तो पूरा 25,000 लगेगा, वो पेनाल्टीज कौन इम्पोज करेगा भाई? तो वो पेनाल्टीज किएगा सीआईसी, ठीक है? ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसको कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक है? इसका हमने टेन्योर भी बोला 5 साल, या फिर इसके उम्र के 65 साल, जो भी पहले हो जाए। तो इसके पास ही वो अधिकार है कि ये लोगों को जुर्माना जो के तहत जो भी पैसे या फिर पेनाल्टीज लगाता है वो वही लगाता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो फिर से एक सवाल है, कैन द डिसीजन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बी चेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ? एसआईसी, एसआईसी का क्या जो भी डिसीजन है कि उसको चेंज किया जा सकता है कोर्ट से? तो क्या है? यस, हाँ, चेंज किया जा सकता है, ठीक है? एसआईसी का जो भी यहाँ पे निकल के आया है डिसीजन, उसको चेंज किया जा सकता है कोर्ट में। और कौन से? बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? हाई कोर्ट में भी चेंज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी आप दावा ठोक के ये चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारा सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, और आने वाले जो भी एक बीए का एग्जाम होगा उसमें आरटीआई में जो भी सवाल बनेंगे इसी सेशन से बन सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं जो आपको ज्यादा कष्ट ना लगे पढ़ने में, ज्यादा समझने में कष्ट ना लगे दोस्तों। और इसका अभी जो पीडीएफ है, मैंने हमने अरे टेलीग्राम पीडीएफ मेंबरशिप में ऐड करना है टेलीग्राम पे, अगर आप चाहते हो वहां से पढ़ाई करना तो आपको हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना है। मात्र 3,000 का पेमेंट करना होगा आपको, और हमारे इस मोबाइल नंबर पे करना है 8087339648 पर। फिर से दोहरा देता हूँ, 8087339648 पर। फोन पे, गूगल पे करेंगे, हमें व्हाट्सअप करेंगे इसी नंबर पे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ आपका प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होगा, और बड़े तेजी के साथ में, बड़े जोश के साथ में पढ़ाई करेंगे और खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे दोस्तों, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।